नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। आज बात हम करेंगे लक्सर विधानसभा की, जहां की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीरें ये कह रही हैं कि यहां पर आखिर कितना विकास हुआ है, क्योंकि यहां के जो विधायक हैं वो 10 सालों में अब तक एक भी मेडिकल कॉलेज या एक भी लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं बनवा पाए हैं। इसके अलावा सड़कें वो पूरी तरह से टूटी हुई हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वादा जो है यहाँ पर कई सालों पहले किया गया था, लेकिन अब तक इस वादे पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। घोषणाएं बहुत की जाती हैं मंच पर खड़े होकर, लेकिन घोषणाओं का लाभ जनता को कितना मिल रहा है ये देखने वाली बात है। लेकिन लक्सर विधानसभा में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ पर होती हैं, फूलमालाओं से इनका जोरदार स्वागत भी किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी विकास के नाम पर ये कुछ नहीं करते हैं। तो कितना विकास हुआ है, कितना जुमला अभी भी बना हुआ है ये देखना है। कुछ ही देर में कुछ मेहमान और मेरे सहयोगी प्रवीण सैनी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस विधानसभा का हालचाल जानेंगे। शहरों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं वो बदतर हालत में हैं। इसके अलावा अगर इस विधानसभा के हम गाँव की बात करें तो गाँव के हालात और दयनीय बने हुए हैं। महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर अगर खादर क्षेत्र की हम बात करें तो हर साल बाढ़ से ग्रस्त रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई यहाँ पर इंतज़ाम नहीं किए जाते। किसानों की फसलें हर साल यहाँ बर्बाद होती हैं। लक्सर देहात क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर सड़कों की समस्या लगातार बनी रहती है। तो 10 सालों से कोई भी यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं बनाया गया है। जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाती है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो लगातार बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि अब तक एक भी महिला डिग्री कॉलेज यहाँ पर नहीं बना है। हालांकि विधायक संजय गुप्ता ने मंच से खड़े होकर ये वादा किया था कि वो यहाँ पर महिला डिग्री कॉलेज बनाएंगे, ताकि यहाँ की जो मासूम बच्चियाँ हैं उन्हें दूसरे इलाकों में ना जाना पड़े, अपने इलाकों में वो पढ़ें और बढ़ें। लेकिन ये भी जुमला साबित हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हम बात करें तो ये भी समस्या यहाँ की सबसे बड़ी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो काम है वो चला तो लेकिन पूरा नहीं हो पाया है और अधर में ही लटका हुआ है, जिसकी वजह से हज़ारों की संख्या में वोटर्स परेशान होते हैं, हज़ारों की संख्या में जो जनता है वो परेशान होती है और परेशान होकर त्रस्त हो गई हैं। ऐसे में वोट बहिष्कार की बात भी यहाँ से सुनाई दे रही है कि वोट का यहाँ पर चुनावों का बहिष्कार होगा, वोट देने के लिए जो लोग हैं वो नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ कुछ तो ऐसे भी गाँव हैं जहाँ पर नोटिस लगा दिए गए हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर नेता आता है या यहाँ के जो विधायक आते हैं उनसे हम वापस ही उल्टे पांव लौटा देंगे, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी, उनसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ना ये उनसे सवाल किया जाएगा कि आखिर उन्होंने यहाँ पर विकास क्यों नहीं किया है जब विकास के इतने दावे और इतने वादे किए थे। देखिए, देखने में ये तस्वीरें आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी और लग रहा होगा कि कितना विकसित ये पूरा इलाका है, मकान बड़े बड़े हैं, पक्के हैं, लेकिन सिर्फ पक्के मकान जो हैं वो आम जनता की मेहनत से हैं। जो सड़कें हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से खस्ता हाल में हैं, क्योंकि ये तो बात शहरी इलाके की हो गई, लेकिन अगर देहात की हम बात करें तो देहात के कई गाँव ऐसे हैं जो लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है जिसमें कईयों के मकान डूब जाते हैं, किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। मुआवजे की बात यहाँ की जाती है, विधायक जी आते हैं, मुलाकात करते हैं और समस्या का समाधान करने की बात कहकर निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है। और मेरे सहयोगी प्रवीण सैनी मेरे साथ बने हुए हैं लगातार। प्रवीण, अगर बात की जाए लक्सर विधानसभा क्षेत्र की, तो कुछ तस्वीरें जो आपने भेजी हैं देखकर ये तो लग रहा है कि हाँ पक्के मकान हैं, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगर देहातों की हम बात करें तो देहात में कुछ भी सही नहीं है। देखिए, मुझे बताना चाहूंगा कि लक्सर विधानसभा में वर्तमान के जो विधायक है उनको 10 साल से लक्सर विधानसभा का जो जनप्रतिनिधित्व का कार्य है वो संभाला गया है। लेकिन लक्सर क्षेत्र में सर्वप्रथम तो अगर मैं बात करूँ शिक्षा की, क्योंकि जो हमारे विधायक है दावे तो बड़े बड़े करते हैं, कई बार मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी घोषणा की है कि लक्सर क्षेत्र में एक छात्रों के लिए डिग्री कॉलेज भी होगा, एक जो छात्रा है उनके लिए डिग्री कॉलेज होगा। लेकिन अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम जो नित्यानंद स्वामी जो मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने भी एक डिग्री कॉलेज लक्सर विधानसभा को दिया था, लेकिन जो हमारे वर्तमान विधायक संजय गुप्ता जी इन पर वो लक्सर तहसील जो क्षेत्र में था और इनकी विधानसभा क्षेत्र
इन पे वो डिग्री कॉलेज में रुक गया, वो भी दूसरी विधानसभा खानपुर के जो विधायक थे। प्रवीण और संजय गुप्ता जी जो लगातार यहाँ से विधायक हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि जल्द से जल्द हम महिलाओं के लिए एक डिग्री कॉलेज यहाँ पर खड़ा करेंगे। खड़ा करना तो बहुत दूर की बात है डिग्री कॉलेज को, यहाँ पर अभी तक जो कागजों में जो तस्वीरें हैं वो भी नहीं बन पाई है। देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि संजय गुप्ता जो उनकी घोषणाएं वे बिल्कुल हवाई घोषणाएं हैं, वो लगभग 10 वर्षों से डिग्री कॉलेज की घोषणा करता है महिलाओं के लिए कि यहाँ जो छात्राएं उनके लिए डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा, लेकिन आज तक जो घोषणाएं वो भी उनकी पूरी नहीं होती, क्योंकि आज तक जो उनकी घोषणा धरातल पर कहीं भी नजर दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी मुख्यमंत्री जी आए थे कुछ समय पूर्व, उन्होंने लक्सर क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की भी बात की थी, एक जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको भी सिविल अस्पताल की घोषणा की थी, लेकिन आज तक जो घोषणाएं हैं वो धरातल पर कहीं नहीं उतरी। अभी आज कुछ दिन पहले अभी जो भाजपा की सम्मान यात्रा चली थी उसमें भी जो शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत जी पहुंचे थे उनके आगे भी लक्सर विधायक गिड़गिड़ाए थे, लेकिन जो शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने भी किसी प्रकार की घोषणा नहीं की, लेकिन जो भी यहाँ राजनेता या विधायक है वो उनकी जो घोषणा है वो सिर्फ हवाई घोषणा है, आज तक कोई भी घोषणा थी जो धरातल पर नहीं है जिससे क्षेत्र में जनता का विकास हो सके। जी बिल्कुल प्रवीण, और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर लोगों की जो लगातार बनी हुई है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या लोगों तक पहुंच पा रही हैं? देखिए सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो लक्सर क्षेत्र है, संजय गुप्ता जो विधायक है 10 वर्षों से, लेकिन आज तक जो देहात क्षेत्र है अगर मैं उनके सड़कों की बात करूँ तो सड़कें तो वहां बहुत कम मिलेगी, लेकिन जो गड्ढे हैं गड्ढों में सड़कें जरूर सामने नजर आएंगी। और संजय गुप्ता जी विधायक जो बार बार दावा करते हैं कि मैं क्षेत्र का विकास कर रहा हूँ, लेकिन वो विकास क्षेत्र का तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना विकास या अपने रिश्तेदारों का विकास करने में तो लगे हुए हैं। और अगर बात की जाए, क्योंकि लक्सर तहसील क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र है, हर वर्ष बाढ़ आती है, जो यहाँ के किसान हैं उनकी कई हजार बीघा फसलें हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाती है, लेकिन संजय गुप्ता विधायक द्वारा आज तक जितने भी किसानों की फसलें बर्बाद हुई है आज तक किसी किसान को संजय गुप्ता द्वारा कोई मुआवजे की धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। बात करें प्रवीण तो संजय गुप्ता जो विधायक है वो कितनी बार आम जनता के बीच पहुंचे हैं, कितनी बार इन्होंने मुलाकात की है? देखिए बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि अगर संजय गुप्ता विधायक ही जनता से रूबरू होते या उनसे जनता से मिलते या जनता की समस्या सुनते तो शायद जनता जो आज उनके विपक्ष में खड़ी है और उनसे पूछती है कि आपको हम किस जो आपके विकास कार्य हैं, अगर विकास कार्य हो तो आपको हम मतदान भी करते, इसलिए जो क्षेत्र के जनता है सभी जनता विधायक लक्सर जो संजय गुप्ता है इनसे सभी नाराज है, क्योंकि अगर किसी का भी ना कार्य किया या मिलना, इन्होंने एक अपना लक्सर में एक अपना कार्यालय खोला था, लेकिन मेरा मानना यह है कि लक्सर में संजय गुप्ता ने कभी भी जन समस्या के लिए अपना जो कार्यालय उस पर बैठे हों। आपका एक ग्रामीण हमारे साथ बने हुए हैं अक्षय। अक्षय जी सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूँ इस खास प्रोग्राम में आपका। अक्षय क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अक्षय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रवीण का मैं रुक करूंगी, प्रवीण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रवीण यहां पर आप बाढ़ का जिक्र कर रहे थे कि हर साल इस क्षेत्र में जो खादर क्षेत्र है बाढ़ की जो परेशानी है वो बनी रहती है, तो इसको लेकर इससे निपटारा कैसे किया जाए, कैसे निपटा जाए, इसको लेकर कोई एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया हो विधायक जी द्वारा? देखिए विधायक जी द्वारा तो कोई तैयार नहीं किया गया, ये पहले से जो हमारी हरिद्वार से जो नीलधारा गंगा बहती है हरिद्वार से और जो कानपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता पाला वाली जो उसका तटबंध है वो तटबंध उसका कच्चा है, रेत रेत से बनता है, हर वर्ष जब भी बाढ़ आती है उसमें पीडब्ल्यू विभाग सिंचाई विभाग के जो भी अधिकारी है जिस समय बाढ़ आती है उस समय तो खाना पूर्ति कर जो जनता का पैसा है उसको पानी में बहा देते हैं, लेकिन अगर बाढ़ आने से पहले ही हमारे जनप्रतिनिधि इस तटबंध की जो मरम्मत है अगर उसका निर्माण कार्य समय रहते करा देते तो शायद जो हर वर्ष तो लोगों की या किसानों की जितने ये घर हैं इनमें पानी भर जाता है, इनकी फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं, तो इन पर कहीं ना कहीं जो फसलों से बर्बाद होता है किसानों का जो फसल है वो बर्बाद होगी, लेकिन विधायक द्वारा अगर इस तटबंध को जो निर्माण कार्य अगर वो समय रहते तटबंध या पत्थर से पेंटिंग करा दिया जाए या उस पर एक रोड भी निर्माण बना दिया जाए जो हरिद्वार से लेकर वो हमारा जिला
जो यूपी है मुजफ्फरनगर का वहां तक भी रोड जा सकता और जो ठीक है प्रवीण मरुकर डॉक्टर कुलवीर सिंह है समाज सेवी है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलवीर जी, संजय गुप्ता विधायक है लक्सर से, इनका अगर देखा जाए तो रिपोर्ट कार्ड आपके हिसाब से पास है या फेल है? कुलवीर जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो प्रवीण का मैं रुक करूंगी, प्रवीण लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं और जो भी टेक्निकल इश्यू है वो भी जल्द हम सुधारने की कोशिश करेंगे। प्रवीण, किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या में लक्सर में किसान हैं लेकिन बाढ़ की वजह से कई बार ऐसा होता है कि कई बीघा फसलें जो हैं किसानों की बर्बाद हो जाती हैं, उन्हें किस तरह का आश्वासन दिया जाता है, कोई मदद की जाती है? आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन जो उनका आश्वासन है वो जनता तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि अगर किसी की 10 बीघा गन्ने की फसल बर्बाद हो जाती है या गेहूं की फसल बर्बाद हो जाती है या सरसों की फसल बर्बाद हो जाती है, जिसका अगर हम न्यूनतम मानते हैं कि अगर एक बीघा में 50,000 रुपए का किसान की फसल बर्बाद हुई है तो हमारे विधायक है उनके द्वारा किसी भी किसान को ऐसा नहीं कि जो उनकी बाढ़ से फसल जो प्रभावित हुई है उसका सही उचित दाम मुआवजे के रूप में मिल पाए, ऐसा अभी आज तक तो कहीं हमारे लक्सर विधानसभा क्षेत्र में संजय विधायक द्वारा नहीं किया गया। जी बिल्कुल प्रवीण, आप लगातार धरातल पर बने रहते हैं, किसानों से सीधा संपर्क करते हैं, किसानों का हालचाल जानते हैं, जो और प्रभावित लोग हैं उनका हालचाल जानते हैं, क्या कहना है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आम जनता का, लक्सर की जो वोटर्स हैं उनका क्या कहना है? लक्सर जो विधानसभा है इसके जो मतदाता हैं वो बिल्कुल अपना निर्णय बना चुके हैं, क्योंकि जो बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता, इनसे किसान ही नहीं पूरे क्षेत्र की जनता इनसे त्रस्त है, क्योंकि आज तक इन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम लक्सर विधानसभा में नहीं करके दिखाया जिससे जो क्षेत्र के मतदाता है जो इनको 2022 के विधानसभा में इनको जिताकर और विधानसभा में भेजने का काम करें, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हालात ऐसे हैं। देखिए बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि डबल इंजन की जो सरकार है अभी क्षेत्र में, मैं हर क्षेत्र का जो हमारा बाढ़ क्षेत्र है या कैसा भी क्षेत्र, मैंने सभी क्षेत्र का दौरा सभी करते हैं और आज तक जो हमारे संजय गुप्ता विधायक हैं मैं मानता हूं कि इनका सीधा या तो लक्सर आना या लक्सर से हरिद्वार जाना, आज तक मैंने इनके कोई क्षेत्र में भ्रमण कार्य नहीं देखा, अगर देखा भी होगा तो कोई इनके साथ इक्का दुक्का आदमी होगा, अन्य अपनी गाड़ी में विधायक साहब होंगे, उनका ड्राइवर होगा या उनका गनर होगा, उसके साथ मैंने इनके साथ आज तक कोई जैसे जनप्रतिनिधि के साथ अगर क्षेत्र का दौरा करे तो उनके साथ भीड़ होगी, लेकिन मैंने आज तक इनको इतना ही अपनी गाड़ी में घूमते देखा है। अगर इस क्षेत्र की समस्या सुनते तो जो क्षेत्र की जनता है जो मतदाता है वो इनके साथ कहीं ना कहीं नजर दूर रहते। आपने देखा भी होगा कि अभी हाल ही में जो सम्मान यात्रा चल रही थी बीजेपी की, माननीय विधायक जी ने अपने आवास पर भी की थी, लेकिन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी वो तो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है वो जरूर पहुंच पाए थे, लेकिन जिस तरह से वहां पर भीड़ होनी चाहिए थी, जैसे कि नजदीक 2022 का चुनाव भी है, उस तरह से विधायक उस भीड़ को भी इकट्ठा करने में नाकाम साबित हुए। इससे साफ प्रतीत होता है कि लक्सर विधानसभा क्षेत्र की जनता भाजपा के विधायक संजय गुप्ता को पूरी तरह से नकार चुकी है। प्रवीण, जो लक्सर देहात क्षेत्र आप बता रहे हैं, यहाँ की सड़कों का हाल बुरा हाल है? बिल्कुल, देखे बताना चाहूंगा कि पहले तो बात जो देहात की सड़कें हैं उन पर विधायक द्वारा कोई ऐसा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि अगर देहात क्षेत्र में विधायक घूमेंगे तो उनको खेत की समस्या भी नजर आएगी, लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का सड़क भी बनाई गई होगी, अगर वो 2 दिन पहले सड़क बनी है तो तीसरे दिन पूरी सड़क उखड़ जाती है। अगर संजय गुप्ता से इस बारे में जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनसे इस बात की शिकायत की जाती है उस पर कोई अमल नहीं लेता, क्योंकि जो सड़क के निर्माण करता है वो कहीं ना कहीं इनके रिलेटिव बताए जाते हैं, इसीलिए जो सड़कें बनी है वो भी अधर में लटकी पड़ी है। जी बिल्कुल प्रवीण, और जो योजनाओं का लाभ है क्या आम जनता तक पहुंच पा रहा है? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो सरकार द्वारा
ग्रामीणों के लिए जो योजना आती है, मेरा तो मानना यह है कि लखतर क्षेत्र में जितनी भी सरकारी योजना आए होंगी उनका या तो जो इनके परिचित होंगे या कोई इनके रिलेटिव होंगे उनके द्वारा ही उस योजना का लाभ मिलता है। जो गरीब दबे लोग हैं या छोटे लोग हैं उन तक आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया है। जब भी कहीं इस तरह की बात आती है तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका यह होता है कि जो सरकार की योजना है उसका हमें लाभ नहीं मिलता, और उसी का नतीजा क्षेत्र की जनता बताती है। जो मतदाता है वो कहते हैं कि जो वर्तमान विधायक उनको ये 2022 में भुगतना पड़ेगा। जी ठीक है कुलवीर जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी मैडम जी। कुलवीर जी आप एक समाज सेवी हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करूंगी, आपके द्वारा विधानसभा का क्या हाल है वो जानने की कोशिश करूंगी। इससे पहले ये बताइए कि इतने सालों से विधायक यहां पर बने हुए हैं संजय गुप्ता जी, क्या काम करा रहे हैं, क्या विकास की गंगा बहा रहे हैं, और क्या यहां पर महिलाओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज खोला गया है, सड़कें कैसी हैं यहां पर, किसानों के क्या हाल हैं, बाढ़ जो क्षेत्र है वहां पर क्या राहत सामग्री पहुंचाई जाती है, अस्पतालों के क्या हाल हैं? देखो मैडम मैं बताता हूँ आपको कि अभी देखो बक्सर के अंदर कोई भी कन्या डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर लड़कियां जब कुआखेड़ा रोड पे एक डिग्री कॉलेज है वहां पे पैदल जाती है, ना तो कोई वहाँ कोई साधन है, वो बच्चे दिन में या किसी भी टाइम भी बहुत छोटी सड़क है, वाहन बहुत तेज चलते हैं, बच्चों को बड़ी असुविधा होती है जगह पर रहना, क्योंकि यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर डिग्री कॉलेज है। देखो कि बच्चे गाँव में चलते अक्सर की लड़कियां वहां जाती हैं, गोर्धन से भी जाती हैं लड़कियां, इधर से भी जाती हैं, वहां पर डिग्री कॉलेज में कोई भी जाने का ऐसा कुछ साधन नहीं है जैसे कोई टेम्पू या कोई इस तरीके की सरकारी बस कोई सुविधा हो वहां पर बैठा। और लक्सर से हरिद्वार के लिए देखो इतना हो गया कि बसें चलती है, दिन में मुश्किल से 2 या 3 बचे हैं, पूरे यात्री जो खचाखच दग्गा मार वाहन चलते हैं जैसे मेटाडोर हो रहे टेम्पू है उसमें लटक कर लोग बाहर जाते हैं यहाँ से, उनकी आज तक जो है सरकारी बसों का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं हो पाई है। इतने समय जो सड़कें हैं सड़कों में इतना गड्ढे हैं जगह जगह, भी सड़कें सुल्तानपुर से जो था इस्माइलपुर के होते हुए इधर पर जो रोड बनी थी पचेवल मंदिर जाते हुए बस निकलते बाकरपुर खानपुर जो रायसी को जोड़ती है वो सड़क इतनी गंदी थी बीच में जो था, अभी भी मेरे ख्याल से पूरी कंप्लीट हो पाई, हर जगह गड्ढे थे, कुछ दिन बनी थी साथ साथ में खराब होनी शुरू हो गई। अभी स्थिति यह है कि काम हुए कुछ कामों की अभी भी पोजिशन बहुत अच्छी नहीं है। देखो डिग्री कॉलेज बच्चों का जो है लक्सर के आसपास बिल्कुल लक्सर में होना चाहिए था, इतनी दूर बच्चे 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं, उनकी व्यवस्था देखो कि लड़कियां कैसे जाएंगी। लेकिन कोई साधन नहीं है जाने के लिए। सेवी है कि आप ये समस्याएं विधायक जी तक लेकर गए, आपके साथ और भी लोग गए होंगे जो ग्रामीण हैं जिनको समस्याएं हैं, क्या कहना है विधायक जी का? इसके अलावा आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि संजय गुप्ता मंच से खड़े होकर ये कह रहे थे कि वो जल्द से जल्द महिला डिग्री कॉलेज यहां पर बनवाएंगे, लेकिन अभी तक दिखाई तो कहीं नहीं दे रहा है। अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है धरातल पर। डिग्री कॉलेज अभी पुल के नीचे जो पहले चलता था ये बहुत अच्छी जगह थी क्योंकि पूरे शहर के अंदर था, बच्चे सेफ थे, अब इसकी दूर डिग्री कॉलेज में जाने में देखो बच्चों की दिक्कत तो हो ही रही है। बिल्कुल। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी अभी तक अधर में लटका हुआ है, उसका भी काम पूरा नहीं हो पाया है। देखो सामुदायिक केंद्र का भी काम नहीं है, बड़ी परेशानी है आम जनता को देखा क्योंकि बहुत अभी बहुत से यहाँ पे देखते हैं अनिल वर्मा जी, लेकिन उसके बावजूद भी उस जगह उनको जगह की आवश्यकता है क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है पूरा, बेड की व्यवस्था या सुविधाएं होनी चाहिए वो भी पूर्ण तरह नहीं मिल पा रही है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, अस्पताल को सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये सब चीजें जो है मिलनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या क्या परेशानी है, क्योंकि आप लगातार समाज से जुड़े रहते हैं, समाज सेवी भी हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आम जनता की क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, जो मासूम बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं, जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, उनकी समस्या क्या है? देखो आम आदमी की पहले तो यही है कि एक अंडरपास बनने जा रहा था लखतर में, वो अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ, उसका आश्वासन तो मिल गया 3 साल से चल रहा है, दो बच्चे जो है क्रॉसिंग करते हुए जो था पिछली बार जो था रेल ट्रेन दुर्घटना में मारे गए थे तब काफी आक्रोश था, लोगों ने धरना भी दिया है, लेकिन अभी तक उसका अंडरपास का कार्य कोई शुरू नहीं हो पाया। जो नीचे की तरफ दुकानदार है पुल से चढ़ते, अभी गन्ने का सीजन चल रहा है, पुल इतना छोटा है ये, एक बार कोई ट्राली या कोई पंचर हो जाए तो दिन भर यहाँ जाम लगा रहता है, ना इधर से निकल सकते हैं ना उधर से जो था। बिल्कुल।
बिल्कुल कुलवीर जी आपका मैं रुक करूंगी। प्रवीण लगातार आप मेरे साथ बने हुए हैं, आपने सुना भी डॉक्टर कुलवीर सिंह ने यह समस्या जो अंडरपास की बताई है, हमने खबर भी चलाई थी जब धरना प्रदर्शन यहां पर ग्रामीणों ने किया था, काफी संख्या में ग्रामीण आक्रोशित भी नजर आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अधिकारी पहुंचते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन अब तक काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और कब तक करना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो अंडरपास वाली बात है, अंडरपास वो लगभग 2 साल से का विषम हो गया है। जो संजय गुप्ता हमारे विधायक है वो हर बार आश्वासन दे देते हैं कि जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ समय पूरी जो अंडरपास अगर होता तो जो एक ही परिवार के भाई और बहन जो ट्रेन की चपेट में आकर दोनों भाई बहन की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे जनप्रतिनिधि है संजय गुप्ता, उन्होंने आज तक इस अंडरपास की जो मुहिम थी, जो जनता ने छेड़ रखी थी, आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद भी उनकी वो कहा कि कुंभकर्णी नींद है ना, वो भी नहीं अभी तक खुल पाई है। और जो क्षेत्रीय जनता है उस अंडरपास से जो जहाँ छोटे स्कूल है या कोई बड़ा स्कूल है, लेकिन बच्चों के लिए इतनी बड़ी समस्या होती है कि वो ट्रेन किस समय आ जाती है, किस समय नहीं आती है। बिल्कुल प्रवीण, यहाँ पर कुलवीर जी और भी एक समस्या बता रहे थे कि जो महिलाएं हैं उन्हें 3 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है कॉलेज जाने के लिए, और ऐसे में बसेस भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और जो वाहन चलते हैं वो डग्गा मार वाहन है, बड़े हादसे हो जाते हैं कई बार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब भाजपा की सरकार बनी थी और नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लक्सर को एक जो हमारा पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था उसमें एक डिग्री कॉलेज चलवाया था, लेकिन डिग्री कॉलेज जो यहाँ चल रहा था उसको सुचारू करने के लिए जो हमारे खानपुर के विधायक कंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, उन्होंने अपनी जो कांग्रेस की सरकार थी उस कांग्रेस सरकार में जो लक्सर में डिग्री कॉलेज बनना था उसको वो अपने खानपुर विधानसभा क्षेत्र में ले गए। वो लक्सर से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां जो हमारी छात्राएं जाती है उनके लिए ना तो कोई आने की व्यवस्था ना कोई जाने की व्यवस्था, उन छात्राओं को लगभग 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, और दोनों साइड गन्ने का जंगल रहता है, ये नहीं पता कि किस समय किस डर के साथ क्या दुर्घटना घट सकती है। अगर विधायक इस बात पर ध्यान देते, वो बात तो करते हैं कि कन्या डिग्री कॉलेज बनवाएंगे, छात्रों के लिए डिग्री कॉलेज बनवाएंगे, जब वो जो हमारे लक्सर विधानसभा क्षेत्र में पहले ही डिग्री कॉलेज आ चुका था, जब वो उसको नहीं रोक पाए तो उनसे क्षेत्र की जनता क्या उम्मीद कर पाएगी कि वो। बिल्कुल प्रवीण, अगर बात की जाए लक्सर की तो हरिद्वार से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है लक्सर की। हरिद्वार में तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाए गए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा हो चाहे वो राज्य सरकार द्वारा, उन पर काम भी बड़े पैमाने पर चल रहा है, तो फिर लक्सर पीछे क्यों छूटा है? क्या आखिर क्या वजह है कि लक्सर में ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रही है? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो हमारे विधायक हैं, अगर विधायक जी को क्षेत्रीय जनता से कोई सरोकार होता या यहाँ कोई ऐसा उन्होंने आज तक कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं ऐसा बना कि जो जहाँ जो क्षेत्र के युवा हैं बेरोजगार हैं उनके लिए कोई रोजगार का साधन कराया हो, या जो यहाँ के बच्चे हैं उनके लिए कोई उच्च शिक्षा का जो ओरिजिन होने चाहिए। बात अगर हम अस्पताल की जाए, हमारे संजय गुप्ता जी कई बार घोषणा भी कर चुके हैं कि जो हमारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर में उसका सिविल अस्पताल की घोषणा, मैं तो मानता हूँ जब भी कोई नेता आता है वो हर बार उसका जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन या तो जो हमारे विधायक हैं इनकी जो पार्टी के अंदर है वो छवि अच्छी नहीं है, जिसके चलते जो हमारे इनके उच्चा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या इनके संगठन के कोई भी हो, अगर इनकी बात में इतना वजन होता या दम होता तो शायद जो लक्सर की क्षेत्र की जनता है, मतलब ये कहा जा सकता है कि संजय गुप्ता जी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पूरी तरह से फेल है लक्सर विधानसभा में। हाँ बिल्कुल, अगर जिस तरह से क्षेत्र की समस्याएं हैं तो उससे तो जो संजय गुप्ता जो रिपोर्ट कार्ड है वो तो 0% है। ठीक है कुलवीर जी, इस कोरोना काल में अगर विधायक जी की हम बात करें तो क्या विधायक जी गांव-गांव तक पहुंचे हैं? जो समस्याएं थी इस कोरोना काल में लोगों की, क्या वो सुनी गई है? राशन वितरण हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, क्या उनकी निगरानी में सारा काम पर्याप्त तरीके से किया जा रहा है?
चलिए ठीक है, कुलवीर जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में। तो लक्सर विधानसभा का हाल कैसा था वो हमने जानने की कोशिश की है, और जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, जैसे कि मेरे सहयोगी ने सारी बातें बताई कि यहाँ पर किस तरह से कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, 3 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है, इसके अलावा पानी की समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्याएं हैं, मकानों की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, योजनाएं नहीं मिल रही हैं। इससे साफ है कि लक्सर विधानसभा में जो रिपोर्ट कार्ड निकल कर आता है संजय गुप्ता जो कि यहाँ के विधायक हैं, वो पूरी तरह से ज़ीरो निकल कर सामने आता है, और ये विकास यहाँ पर किया गया है। और इसी रिपोर्ट कार्ड को लेकर संजय गुप्ता जो हैं वो आगे भी 2022 को लेकर बढ़ रहे हैं। फिलहाल लक्सर विधानसभा की जनता इन्हें पास या फेल करती है ये देखना होगा। अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।